The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और ओमिक्रॉन के बारे में खूंखार खबरें सुनते रह रहे हैं आप, तो आज एक अच्छी खबर सुन लीजिए कि एक रिसर्च और आई है जिससे ये साबित हुआ है, ऑल्दो ये पीयर रिव्यूड नहीं है, प्री पब्लिश्ड रिसर्च है, जिससे ये पता चलता है कि क्यों ओमिक्रॉन वायरस आपके शरीर में घातक रूप धारण नहीं कर पा रहा है। और ये भी साबित होता है कि उन लोगों में जिनमें ऑलरेडी एक बार कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है और उन लोगों में जिन्होंने या तो वैक्सीन लगा दी है, या तो वैक्सीन लगा ली है या नहीं भी लगाई वैक्सीन और कोरोना का एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, उन लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो पार्टली ओमिक्रॉन पे एक्टिव है। उस मेजर पार्ट उसका क्या है वो आप आपको बताएंगे। देखो, ओमिक्रॉन में वायरस में टेक्निकली 32 से ज्यादा म्यूटेशन पाए गए हैं और उन जगहों पे पाए गए हैं जिसमें फिर डाउटफुल होता है कि जो एंटीबॉडीज आपका शरीर बनाता है या वैक्सीन बनाता है, उस एंटीबॉडीज के इफेक्ट को ये ओमिक्रॉन वायरस स्किप कर जाएगा और एंटीबॉडीज का हो सकता है इस पे इफेक्ट ना आए और ये और ज्यादा घातक बीमारी पैदा करे। लेकिन ज्यादातर केसेस अभी तक जो आ रहे हैं वो माइल्ड आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टी सेल्स रिस्पॉन्स है, टी सेल रिस्पॉन्स यानी कि आपके इम्यून सिस्टम के टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, प्राइमरी बाहर के लाइन ऑफ डिफेंस के अलावा, बाहर के आपके जो भी स्किन है और प्राइमरी नेचुरल किलर सेल्स हैं सर, बाकी सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म उसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपका आता है ये टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को आपके वैक्सीन के बाद भी मिल जाते हैं और अगर आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद भी टी सेल्स रिस्पॉन्स जो आती है, इम्यूनिटी उसकी भी आती है। सो यहां पर जो रिसर्च हुआ है वो ये देखा गया है कि आपके टी सेल रिस्पॉन्स जो है प्रिजर्व्ड हैं, यानी कि इन्फेक्शन जो है वो टी सेल रिस्पॉन्स को बाईपास नहीं कर पा रहा है और टी सेल जो है आपके ओमिक्रॉन वायरस अगर आपके अंदर आता है तो उसको ये बहुत अच्छी तरह से खत्म करने में कारगर होते हैं। तो ज्यादातर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं पनप पाता कि एक तरफ वो पनपने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरी तरफ टी सेल्स उसको खत्म कर रहा होता है और बाद में जो एंटीबॉडीज हैं वो धीरे धीरे अपने आप आ जाते हैं जो बेसिक ओमिक्रॉन के लिए बनते हैं। इसीलिए ज्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के सिवियर नहीं हो रहे। उसके अलावा जो दो बड़े फैक्टर हैं, ऑलरेडी कई सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं और ज्यादातर जो ओमिक्रॉन के वजह से इन्फेक्टेड लोग हैं वो यंग लोग आ रहे हैं, इसलिए मॉर्टेलिटी भी बहुत ना के बराबर है, कम है। बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं के अंदर, या बहुत ज्यादा कोई अगर बहुत ना ही उनको कभी ओमिक्रॉन का, ना ही कोई कोविड, ना ही कभी वैक्सीन कुछ हुआ, उस केस में ही कोई बीमारी जो है बड़ा रूप ले सकती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिसर्च आपको बतानी थी जो ओमिक्रॉन के बारे में आई थी और इसका जो रिसर्च किया था ये जो साइंटिस्ट ने क्या किया, टी सेल्स निकाले, ऐसे फाइजर वाली वैक्सीन जिन्होंने ली थी उसके अंदर से टी सेल्स निकाले और जिनको कभी कोई वैक्सीन नहीं लगी, सिर्फ कोविड हुआ था, उनके अंदर से टी सेल्स निकाले और उनको ओमिक्रॉन वायरस टेस्ट ट्यूब में मिला के देखा तो वो टी सेल्स दोनों ही ओमिक्रॉन वायरस को खत्म करने के लिए बढ़िया सक्षम है। सो दैट इज अ गुड रिसर्च जिसपे अभी पीयर रिव्यू होगा, लेकिन एक अच्छी खबर आपको बता देना हमारा काम है। सो दैट इज अ थिंग। तो ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बाकायदा इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीन लगवा लो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। इसके अलावा उल्टी सीधी खबरें ना देखो, उल्टी सीधी चीजें देखने से आपका सिर्फ टेंशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।